गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों ट्वेल्थ क्लास में यूनिट प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाए जरा हम लोग ने स्टार्ट किया था उसी क्रम में एक चैप्टर था सेक्सुअल प्रोडक्शन इन इंडियस वर्किंग प्लांट। ठीक, उसमें कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी और उसी के क्रम में हम लोगों ने बीजाण के बारे में देखा था। ठीक, बीजाण का अध्ययन किया था। अब बीजाण तो सामान्यतः उसकी पात्र बात करें या लगभग कह सकते 82% प्लांट्स में या 82 से 83% पात्रों में जो है एनाट्रापस प्रकार का ही बीजाण पाया जाता है। एनाट्रापस प्रकार का बीजाण पाया जाता है। ठीक, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। अगर बीजाण का फिगर आता है एग्जाम में तो यही एनाट्रापस ही बनेगा। अब यहाँ पर एक और हेडिंग देख लेते हैं हम लोग, इसी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स या जितने बीजाण पाए जाते हैं पात्रों में वो जो है देखा जा कितने प्रकार के पाए जा सकते हैं। बताया था उस दिन 6 प्रकार के होते हैं लेकिन यहाँ पर 6 प्रकार को हम लोग फिगर के द्वारा देखते हैं और क्या डिफरेंस है सभी में तो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक, पहला एनाट्रापस ही देखते हैं। एनाट्रापस बच्चों लगभग 82 से 83% पात्रों में पाया जाता है बीजाण। और इस बीजाण में बताया था जो शीर्ष भाग होता है या माइक्रोपाइल वाला भाग होता है वो किसके समीप पाया जाता है, क्यूनिकल के समीप पाया जाता है। ठीक, क्यूनिकल के समीप जो पाया जाता है चैलिया। ठीक, तो क्यूनिकल के समीप आ जाता है और ये चैलिया वाला भाग कहाँ आ जाता है, एम्ब्रियो सैक के पीछे की ओर आ जाता है। ठीक, जो है एम्ब्रियो सैक के पीछे चला जाता है और नीचे माइक्रोपाइल वाला भाग किसके पास आ जाता है, क्यूनिकल के पास आ जाता है। एम्ब्रियो सैक सीधा और एक सेलिया एक न्यूक्लियस बताया था वो किस तरफ रहेगा, जिस तरफ माइक्रोपाइल में बीजाण द्वार पाया जाएगा उसी तरफ रहता है एम्ब्रियो सैक। अब दूसरी बात करते हैं, ये कह सकते हैं कैसे इन्वर्टेड बीजाण होता है। ठीक, इन्वर्टेड बीजाण बोला जाता है इसे एनाट्रापस को। अब बात करते हैं आर्थ्रोट्रापस। ठीक, आर्थ्रोट्रापस की बात करते हैं। आर्थ्रोट्रापस में एक लंबवत रूप से बीजाण द्वार एम्ब्रियो सैक और फ्यूनिकल तथा चैलिया, मतलब ये संरचनाएं जो है एक लंबवत रूप से एक लंबाई में जो है लगी रहती है सीध में लगी रहती है। ठीक, एक लंबवत संरचना इस तरह लगी रहती है माइक्रोपाइल एम्ब्रियो सैक चैलिया फ्यूनिकल और इस प्रकार का जो है बीजाण पाया जाता है साइकस में। एक अच्छा उदाहरण इसका जो याद रखने वाला साइकस और दूसरा है पॉलीगोनल। एक सीध में इसकी एक विशेषता होती है। अब बच्चों दूसरे पर आते हैं, दूसरा है बच्चों हेमीट्रॉपस। ठीक, हेमीट्रॉपस की बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट प्रकार का है। हेमीट्रॉपस में जो है माइक्रोपाइल या बीजाण द्वार और जो है उसी के जस्ट जो है एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, उसी के जस्ट पीछे क्या पाया जाता है चैलिया। ठीक, चैलिया ये तीनों संरचनाएं एक क्षैतिज रूप से लगी रहती है और जो फ्यूनिकल वाला भाग होता है वो 90 डिग्री पर इससे लगा होता है। लगभग ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लगा रहता है। 90 डिग्री कोण बन रहा है अर्थात माइक्रोपाइल एम्ब्रियो सैक और चैलिया एक क्षैतिज रूप में लगे रहते हैं और फ्यूनिकल नीचे की ओर 90 डिग्री कोण में लगा रहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रैनुलस। अब बात करते हैं तीसरे बच्चों कैम्पाइलोट्रापस। ठीक, कैम्पाइलोट्रापस में क्या होता है कि शीर्ष भाग थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, थोड़ा सा शीर्ष भाग क्या होता है मुड़ जाता है या कह सकते हैं कि फ्यूनिकल की तरफ हो जाता है। ठीक, फ्यूनिकल की तरफ हो जाता है और जो चैलिया वाला भाग होता है वो थोड़ा सा उठ जाता है पीछे की ओर, होता है लगभग क्षैतिज छिद्र है लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है माइक्रोपाइल वाला भाग मुड़ जाता है नीचे की ओर। ठीक, तो तिरछा 90 डिग्री का कोण बनता है, तिरछा थोड़ा सा, थोड़ा तिरछा 90 डिग्री के कोण में जो है ये लगा रहता है। ठीक, इसका उदाहरण सबसे अच्छा कैपिडेसी। कैपिडेसी अब बात करते हैं अगले एम्फीट्रॉपस की। एम्फीट्रॉपस जो है बच्चों एम्फीट्रॉपस कुछ कुछ आपको दिखाई देना होगा एनाट्रॉपस की तरह, लेकिन होता तो कुछ कुछ एनाट्रापस की तरह है, फिर फ्यूनिकल के समीप माइक्रोपाइल वाला भाग आ जाता है नीचे की ओर मुड़ करके इन्वर्टेड होकर के, लेकिन इसका जो एम्ब्रियो सैक होता है या भ्रूणकोश होता है वो जो है मुड़ जाता है, थोड़ी किनार की तरह मुड़ जाता है, कर्व हो जाता है। ठीक, थोड़ा सा कर्व में आ जाता है, यही इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्यूटीमेसी। अगले बच्चों अगला की बात करते हैं बच्चों, अगला है सरसीनो।
सर्सिनोट्रॉपस में पूरा का पूरा जो मुख्य भाग होता है बीजांड का वो 360 डिग्री राउंड कर जाता है, ठीक 360 डिग्री क्या हो जाता है, राउंड कर जाता है, पूरा का पूरा जो है बीजांड का मुख्य भाग राउंड कर जाता है और घुमा हुआ दिखाई देता है, ठीक 360 डिग्री जो है क्या हो जाता है, राउंड कर जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कैक्टस या नागफनी फूल के पादों में जो है ये पाया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने जो है अलग अलग प्रकार के बीजांड के बारे में देखा, ठीक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल जो है, पहला क्या था हेराट्रॉपस था, लगभग 82-83% पादों में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है, ठीक इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहा जाता है इसे। दूसरा क्या था आर्थ्रोट्रॉपस, आर्थ्रोट्रॉपस में एक लंबवत एक सिधाई यूरोसाइट और लगे हुए होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साइकस पॉलीगोनम। तीसरे की बात करते हैं हेमीट्रॉपस, हेमीट्रॉपस में क्या होता है एक क्षैतिज अवस्था में जो है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए माइक्रोफाइल यूरोसाइट और फ्यूमिगेंट लगा होता है, ठीक। अगली बात करते हैं कैम्पाइलोट्रॉपस, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कैप्लेसी। इसमें जो माइक्रोफाइल वाला भाग होता है वो थोड़ा असमान सा मुड़ा हुआ होता है और मध्य वाला भाग अंदर की ओर फंस जाता है, ठीक जिसके कारण यूरोसाइट थोड़ा सा कट हो जाता है, ज्यादा नहीं हल्का सा हो जाता है तिरछा 90, तो जो है यूरोसाइट और फ्यूनिकल तिरछा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लगे रहते हैं। अब उसके बाद करते हैं एम्फीट्रॉपस, एम्फीट्रॉपस सबसे अच्छा उदाहरण है यूपीसी। ये भी लगभग कुछ कुछ एनाट्रॉपस की तरह दिखाई देता है लेकिन जो एपेक्स वाला भाग कुछ ज्यादा कर्व होता है और यूरोसाइट घोड़े की नाल की तरह कर्व हो जाता है, मुड़ जाता है। इसकी सबसे अच्छी विशेषता भी होती है और कंपटीशन में भी एक आदमी को पूछा भी गया है, इसको इसी यूरोसाइट की संरचना की पूछी गई है कि इसमें जो है हार्स नॉल या हार्स नॉल के समान जो है कर्व हो जाता है यूरोसाइट। उसके बाद 360 डिग्री मुड़ा हुआ जो है सर्सिनोट्रॉपस होता है और इसमें जो बीजांड का मुख वाला भाग होता है वो क्या होता है 360 डिग्री का हो जाता है या घूम जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने जो है उदाहरण के साथ एक एक अलग अलग प्रकार पात्रों पाए जाने वाले अलग अलग बीजांडों के उठा अध्ययन किया, ठीक बच्चों। अब इसके बारे में हम लोग जो है अब इसके आगे हम लोग जो है मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस ये लघु बीजाणु जन्म के बारे में स्टडी करेंगे। लघु बीजाणु जन्म बच्चों जो है ओवरी या अंडाशय में उपस्थित कार्पेल या अंडक, ठीक अंडक भाग में होती है और मुख्य रूप से बीजाणु के समीप जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो है लघु बीजाणु जन्म की प्रक्रिया या मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया चलती रहती है और इसके द्वारा गुरु बीजाणुओं का जन्म होता है। गुरु बीजाणु जन्म या मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया को बच्चों हम आगे स्टडी करेंगे।